24/7 लाइव टीवी से मैं हूं प्रतीक्षा और मातु, आइए नजर डालते हैं जिले से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। माली समाज के लोगों के साथ जो दुर्घटना हुई वो मानव जाति के लिए दर्द भरी दास्ता दे गई। बता दें कि सोइनतरा रामदेव होटल के पास खतरनाक हादसे के बाद समस्त माली समाज व गांव द्वारा कैंडल मार्च व सादर श्रद्धांजलि निकाली गई, जिसमें भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बाबूलाल परिहार, खगार गहलोत, राहुल गुप्ता, पारस प्रजापत, गोविंद गहलोत, मोहन राम गहलोत, जाकिर पठान, नरगिस माली एवं समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर भगवान से उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। तो रामदेव दर्शन के लिए जा रहे थे, हमारी समाज के 11 लोगों के एक साथ में दुखद घटना घटी है। उसके लिए इस एरिया के नहीं, जहाँ देश विदेश में भी लोग सुनते हैं तो बहुत ही अपने आत्मा से ऊपर और भगवान को कहते हैं कि उन आत्माओं को शांति दे, और ये दुखद घटना के उन परिवार वालों को भी अपन सांत्वना हमारी तरफ से इस श्रद्धालु जी की देखते हुए उनके परिवार को भी सांत्वना दे कि भी उनकी आत्मा को शांति दे। और वास्तव में आज यहाँ एक होली का ये सुलहतन के दिन खेलों का मौका था, और इस मौके के ऊपर आज एक गुस्सा के साथ में मना रहे, आज गम में मना रहे हैं। इसके लिए मैं ये सब इस सभा में पधारे हमारे 36 वर्ण के लोग आए हैं, उनको मैं इस सभा में आपका समय निकाल कर पधारे, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। धन्यवाद। आज शोक के द्वारा मनाया जा रहा है, समाज में भी और भी 36 गुरुओं में भी इसको मतलब शोक के अंदर डूबा हुआ है, और अप्रिय घटना हुई। लखीमपुर खीरी नोवेल कोरोना वायरस को देखते हुए इंडो नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, दुनिया के लिए सिरदर्द बना नोवेल कोरोना वायरस का असर। इंडो नेपाल सीमा पर भी देखा गया, नेपाल से आने वाले लोगों की जांच के लिए एक डॉक्टरों की टीम सुरक्षा एजेंसी के द्वारा लगाई गई। नेपाल से आने वाले लोगों को टीम द्वारा जांच करने के बाद ही भारत में प्रवेश दिया गया, लेकिन इंडो नेपाल सीमा पर आवाजाही बराबर बनी रही। लोग खाने पीने का सामान व जरूरत सामग्री लेकर दिखाई दिए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट। इधर आ जाइए, इधर नहीं आया आप, बाहर से काम या इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक, आप बताएं, नाम बताएं। लखीमपुर खीरी एसपी खीरी के निर्देश पर वंचित धरपकड़ अभियान में तिकुनिया पुलिस ने दो अभियुक्तों व गौमांस व खाल व अन्य मांस काटने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया। तिकुनिया कोतवाल हनुमान प्रसाद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कल रात अपने साथी कांस्टेबल व महिला कांस्टेबल के साथ दबिश दी, जिससे उन्होंने काफी कड़ी मशक्कत के बाद दो अभियुक्त नामदार पुत्र अब्बास व खुलवा पुत्र इशाक निवासी खमरिया कोलार कोतवाली तिकुनिया जनपद खीरी को 20 किलो मांस व बछिया की खाल व मांस काटने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया। कोतवाली प्रभारी हनुमान प्रसाद ने बताया कि बरामद मांस व खाल को नियमानुसार दफना दिया गया है।
बाकी मुजरिम को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।